ट वट आर मैजिकल नंबर मैजिकल नंबर नाम की कोई चीज नहीं होती सारे नंबर मैजिकल हैं मेरे को जिससे रिजल्ट आ जाएगा वो मैजिकल हो जाएगा और मैजिकल का मतलब क्या होता है मेरी स्थिति किसी ऐसी चीज से चेंज हो जाए मैं उसको चमत्कार मानूंगा तो मेरी स्थिति मेरी परिस्थिति पे भी डिपेंड करती है तो परिस्थिति मतलब बाहर से कोई चीज आएगी मेरे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन ला देगी यंत्र मंत्र तंत्र में भी हम यही करते हैं यंत्र में क्या होता है गैजेट होता है कोई उसको तैयार करके दे देता है उसमें इंटेंसिफाई कर देता है एनर्जीज को हम उसको यूज करते हैं तो ऐसे रिजल्ट आ जाता है मंत्र में होता है हम खुद उसका स्वाध्याय करते हैं उसको चैंट करते हैं और फील्ड क्रिएट करते हैं उसका रिजल्ट आ जाता है और तंत्र में क्या होता है कि बाहर बंदा बैठा हुआ फूक मारता है आपको इंटेंट देख के आपके फाइव एलिमेंट्स को हिला देता है आपको रिजल्ट आ जाता है तो उसी प्रकार से नंबर्स के अंदर भी एक नाद है एक रिदम है और एक रेपिटेटिव पैटर्न है वो आपके अंदर चेंज ला सकता है और व्यक्ति सबसे ज्यादा कब परेशान होता है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि वो कान कौन सी पांच रेमेडीज होती हैं जिनको करके आप एक मेजर लाइफ में चेंज ला सकते हो बट इन न्यूम्रोलॉजी एक नंबर मास्टर नंबर है जो आपके अंदर मेजर चेंज ले आता है व्यक्ति परेशान कब होता है व्यक्ति परेशान तब है जब एक दिमाग में थॉट फंस गया वो थॉट से नहीं निकल पा रहा उसको परेशानी कहा जाता है हम उसको कहते हैं क्या क्या हाल होगा तो टेंशन में हूं टेंशन मतलब एक एक तार इधर बन है एक तार इधर बनंदी है उसको आप टेंग करोगे उसको टेंशन कहा जाता है वो रिदम ऐसे वापस चलती है इंग्लिश में टेंशन का मतलब होता है ये पैटर्न और ये धीरे धीरे स्लो होता है इसको स्लो करने के लिए आप यहां से पकड़ लोगे तो ये धीरे हो जाएगी और पास पकड़ लोगे तो ये पैटर्न स्टॉप हो जाएगा तो इस स्थिति को चेंज करने के लिए बाहर से आपको को कोई फोर्स चाहिए जो उसकी रिदम को ब्लॉक कर दे तो कहने का तब तात्पर्य है सुख और दुख की परिभाषा में सिर्फ इतना डिफरेंस है इच्छा की पूर्ति होना सुख है इच्छा की पूर्ति ना होना दुख है तो प्रॉब्लम ना सुख में है प्रॉब्लम ना दुख में है प्रॉब्लम इच्छा में है और इच्छा कहां से जागृत होती है अपने इंद्रियों से अपने थॉट पैटर्न से हम जिस चीज को देख रहे होते हैं तो एंड ऑफ द डे व्यक्ति को पंगा यह होता है कि उसकी जो सोच है उससे बाहर नहीं निकल पा रहा होता उसकी विजन क्लियर नहीं हो रही होती तो उसके उसके पास ज्ञान नहीं आ रहा होता या उसके पास एक्सक्लूसिव ज्ञान नहीं आ रहा होता जो उसको निकलने नहीं देता तो आपको उसका ब्रेन स्विच करना होता है द मोमेंट ऑफ ब्रेन स्विच हो जाएगा तो वह उसके सामने जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी ना उसको वो अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो जाएगी उसके लिए ब्रेन की जो बात आती है हमने बात की दो नंबर हैं जो आपको गाइड करते हैं तीन और तो अगर आप आपके पास आपका क्लाइंट या आप और अगर आपका बच्चा पढ़ताना हो क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है सबसे बड़ा पंगा होता है हर व्यक्ति के साथ वो फोकस नहीं कर पा रहा किसी चीज को मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा आप पढ़ नहीं पा रहे हो आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है फोकस नहीं हो पा रहा किसी रीजन के कारण तैतीस नंबर जो डिफॉल्ट दोबारा छह बनता है तैतीस नंबर दो जुपिटर दो गुरु और मिलकर के शुक्र अगर आप तैतीस नंबर को लिख करके अपनी पॉकेट में डाल लो एक पर्स के ऊपर लिख के डाल लो रूटीन में तेतीस नंबर दिन में एक दो चार बार लिख लिया करो हाथ पे लिख लो बाजू पे लिख लो कहीं पे लिख लो आप वॉच डालते हो वॉच के पीछे यहां पे परमानेंट पर थर्टी थ्री लिख लीजिए आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी घर के बाहर छोटा सा तैतीस नंबर लिख लीजिए जाने आने से पहले मान लीजिए आपका ये आपका डोर है आपने दरवाजा खोलने से पहले साइड पर तेतीस लिख दीजिए कि आपको वो दिखता रहे आपकी विजन क्लियर रहेगी वो आपको हर टाइम पर गाइड करेगा क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसको एज ए ओम भी परसीव कर सकता है और आपका सबकॉन्शियस उस 33 नंबर के रैपिटेटिव पैटर्न को एक्सपेंशन भी देगा और आपको प्रिसाइज रिजल्ट देने में हेल्प करेगा आप 33 नंबर के अगर एक्ट्रीब्यूट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है और हमें हर टाइम पर जब हम परेशान होते हैं हमें गाइडिंग फैक्टर चाहिए होता हम बहुत ज्ञानी हैं हम सारे काम कर सकते हैं बट अगेन हमें ब्रेन स्विचिंग चाहिए होती है तो अगर आप कभी भी फंस रहे हैं और बच्चों की बुक्स में तो गारंटीड आप लिख के छोड़ दो ऑलरेडी मैं वेबसाइट पर और कई कोर्स में वीडियो में मेंशन किया है बच्चे की बुक्स के ऊपर 33 नंबर स्टार्टिंग में कहीं पे लिख दो बच्चे को कह दो तो पेपर शुरू करना है अगर उनको ओम कुछ भी लिखने की आदत है बहुत अच्छी बात है धार्मिक चीजें कहीं पर कॉर्नर पर थर्टी थ्री लिख दे उस, उसके बच्चे का ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा और उसको रिजल्ट आ जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पढ़े ना मतलब इसको वहमत मान लेना यह उसका पार्ट है जो उसकी चीज़ें हेल्प करेगा स्विच करने में तो करक्स इज तैस नंबर बहुत मैजिकल रिजल्ट देगा अगर आप इसको रूटीन में यूज करते हैं ब्रेन स्विचिंग करेगा तो आपके लिए मैजिकल बन जाएगा अब ऐसा नहीं होगा छप्पड़ फटेगा पैसे करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि पैसे कैसे मिल सकते हैं आपको विजन दिखनी शुरू हो जाएगी आपको पैसे चाहिए कि आपको फेम चाहिए आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन से वाले क्लाइंट को पहले अटेंड करूंगी पैसा आ जाएगा कुछ भी हो सकता है बट थर्टी थ्री इन दैट केस इज अ गेम चेंजर नंबर एक नंबर दो अब सारे नंबर ऐसा काम नहीं करते हैं एक और नंबर है 51 कई बार क्या फिफ्टी वन एक स्टीरॉयड नंबर है मैं रिकमेंड नहीं करता जनरली किसी को व्यक्ति बहुत परेशान है मतलब ऐसा समझो एक व्यक्ति है उसको हार्ट अटैक हो गया मरने वाला हार्ट ब्लॉक हो गया जी उसका उसका थैंक यू होने वाला है तो डॉक्टर फटाफट से उसको हार्ट पंप करते हैं या इंजेक्शन उसकी छाती में ठोक देते हैं या उसकी पसलियों को पूरी जोर से दबाते हैं कि उसको सांस आ जाए क्योंकि उनको पता है कि पसलियां तो छह महीने तीन महीने रिपेयर हो जाएंगी बंदा निकल गया तो रिपेयर नहीं होगा तो कहते हैं पसलियां है तोड़ दो पर सांस चला दो चला दो तो फिफ्टी वन एक ऐसा नंबर है कि अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको लाइफ स्टेगनेंट हो गई है कुछ भी मूव हो रहा थर्टी थ्री यूज कराओ नहीं हो रहा तो आपको लगता है उसको फिफ्टी वन यूज करना चाहिए फिफ्टी वन दे दो थोड़े दिन यूज करें पॉजिटिव ये होगा कि वो कार्य करना शुरू कर देगा उसको रिजल्ट सारे शुरू हो जाएंगे अलग अलग जगह पर फिफ्टी वन लिख ले पर उन्हीं जगह पर लिखे पता लगे टैटू बनवा लिया परेशानी हो गया तो टेंपरेरी यूज करे महीना दो महीने नेगेटिव ये होगा एग्जाइटी बढ़ सकती है उस व्यक्ति की उसकी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी काम बढ़ जाएगा हेल्थ इश्यूज थकने के कारण बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाएगा क्योंकि काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा उसको एक्टिवेटेड हो जाएगा सोशली फेमस हो जाएगा प्रो मैजिकल नंबर बन जाएगा उसके लिए क्योंकि वो नंबर की फॉर्मेशन देखो एक्टिविटी एंड अथॉरिटी से एक्सक्लूसिवनेस आ रही है वहां पर तो इसलिए लोग लो नॉर्मली कहते हैं इसको मत यूज करो बट उसको यूज कर लो टेम्प्रेरी तो आप हर नंबर को यूज कर सकते हो अब गूगल के नंबर निकालिएगा गूगल का नंबर ये कहता है कि इस नंबर वाले व्यक्ति के दुश्मन सबसे ज्यादा होते हैं इसको बैक बाइटिंग होती है इसको लोग धोखा दे जाते हैं तो लोग धोखा देते हैं उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गूगल कितने ज्वाइन करते हैं वहां से आइडिया स्टील करके अपनी कंपनी बना लेते हैं उसको धोखा मिलता है पर फिर भी राइज कर रहा है फॉर्मेशन देखो उसकी चंद्रमा और शनि उसको फॉर्म करता है और अथॉरिटी बना देता है चंद्रमा क्या है इंस्टेंट रिजल्ट शनि टेक्निकल प्रिसाइजनेस इंस्टेंट प्रिसाइजनेस अथॉरिटी हम उसके रिजल्ट पे विश्वास करते तो उसको क्लिक कर देते हैं उसको फर्क नहीं पड़ता भैया कौन उससे क्या लेके जा रहा है उसी प्रकार से क्रक्स दिस तेतीस नंबर बेस्ट रहता है और कहीं बंदा फंस जाए तो फिफ्टी वन नंबर थोड़ी देर के लिए ये काम करेगा सो आर मैजिकल नंबर्स तेतीस मैं रूटीन में यूज करता हूं अपने क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट के बच्चों को तो हमेशा ही कहता हूं कि बच्चे की बुक के ऊपर आप लिख दो तेतीस या उसकी बैग में कहीं पर लिख दो उसको रिजल्ट आ जाएगा